मैं दीपांशु खंडेलवाल इंफिनिटी केरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से अपना 11th क्लास का लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, सब लोग परेशान हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। बोले सर लेक्चर चल रहे हैं, क्या पता समझ में आएगा नहीं आएगा, कैसे क्या रहेगा, आगे क्या होने वाला है। यार डरने की जरूरत क्या है, हम है ना इन्फिनिटी केरियर इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ। तो मैं हमारा जो एनवायरनमेंट है ऑनलाइन क्लासेस का, मैं वो इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि जैसे हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम क्लास में हंसी मजाक करते हुए पढ़ते थे। ऐसा नहीं है मैं आऊंगा और अपना लेक्चर रिकॉर्ड करता जाऊंगा, एक 20-25-30 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करके बोर करके आप लोगों को चल जाऊंगा। हम हमारा लेक्चर इस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे कि साथ ही साथ जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप उसको कॉपी में भी आसानी से नोट कर सकें और आप अपने आप भी उसको पढ़ना स्टार्ट कर सके, जब तक आप लोग हमारे यहाँ ऑफिशियली इंस्टीट्यूट में नहीं आ पा रहे हैं। जब तक के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस, हम इन्फिनिटी के इंस्टीट्यूट की टीम आप लोगों के साथ है, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो चालू करते हैं। आज हमारा क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट उठाते हैं। चैप्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात। सबसे पहले जो हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट आती है, और इंपॉर्टेंट में वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह कह दिया जाता है कि इसको रट लो, याद कर लो, समझने की क्या नीड है, ये तो याद करने का टॉपिक है। पर नहीं, हम यहाँ पर भले ही हमारे लेक्चर को 15 मिनट 20 मिनट बनाएंगे पर हम हर एक चीज को स्टेप वाइज समझते हैं। आओ तो आज स्टूडेंट्स हम चालू करते हैं हमारा लेक्चर या यूनिट जिस पर हमारा लेक्चर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। हमारी यूनिट किस पे बेस्ड है बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप खुद देखो, यहां पर फ्लावर की भी बात हो रही है, प्लांट्स की भी बात हो रही है, और उनकी मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। मतलब प्लांट्स के अंदर या फ्लावर या जो भी कोई चीज होती है प्लांट, उसमें पाए जाने वाले सारे स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये यूनिट पूरी टिकी हुई है। तो बोले सर अब इस यूनिट में आएगा क्या क्या, वो भी तो बताइए। तो हमारे इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है। हमारी जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की जो यूनिट है उसके अंदर कितने टॉपिक्स कवर होते हैं? 6 टॉपिक कवर्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट और सीड। और अगर इसको हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से भी। मेडिकल के एग्जाम में हमेशा इस यूनिट से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने के? 8 मार्क्स। तो आइए आज हम हमारे रूट, सबसे पहले रूट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक तो लेक्चर स्टार्ट हुआ ही है, ऐसा सुनने के बाद अभी तक तो बोर हुए नहीं होंगे और आगे भी मैं नहीं होने दूंगा। आइए तो हमारे रूट टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं। रूट, सभी जानते हैं रूट का मतलब होता है जड़े, ठीक है। प्लांट के अंदर से जो जड़े निकल रही है उनको हम कहते हैं रूट्स। तो अब बोले सर रूट तो जड़े तो समझ में आ गया, ये तो बचपन से पता है, 2 साल के बच्चे को भी पता है कि सर रूट का मतलब जड़। पर हमारा यहाँ मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद है हम की 2 साल के किड ही है और हमको 0 से स्टार्ट कर और 100% तक जाना है। आओ तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूट के अंदर हमेशा हमको 3 बेसिक पॉइंट सबसे पहले याद रखने होते हैं। जैसे हमेशा जो रूट होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। कैसी होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या होता है? ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। और थर्ड जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो कैसी होती है? ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। कैसी होती है? नेगेटिवली
फोटोट्रॉपिक होती है, मतलब कभी भी सनलाइट रूट्स के ऊपर ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है, ज्यादा अंदर तक क्या जा ही नहीं पाती है, पर कहते हैं ना साइंस एक्सेप्शन। तो उसी तरीके से हमारे रूट के अंदर भी कई रूट्स ऐसी होती है जो कि जमीन के ऊपर भी पाई जाती है। उन रूट्स के बारे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, पर अभी जो बात आती है तीन जनरल पॉइंट्स की, उसमें यही आता है कि वो कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले सर ये तो बात हो गई कुछ जनरल पॉइंट्स की, जब भी हम एग्जाम में हमारी कॉपी में लिखेंगे हमारा मेन पॉइंट ये रहेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा जो हेडलाइन होगी वो क्या होगी, जनरल कैरेक्टर्स अबाउट रूट, और उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ये तो बात हो गई थी रूट के कुछ नॉर्मल पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो आता है कि रूट्स को कितने टाइप के अंदर डिवाइड करा गया है, टाइप्स ऑफ रूट कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है? तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। पहला टैप रूट, दूसरा एडवेंटिटियस रूट, ठीक है, और थर्ड फाइब्रस रूट। ठीक है, हमारा जो रूट सिस्टम था वो किस में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। टैप रूट के अंदर क्या है, एडवेंटिटियस रूट के अंदर करा है, और फाइब्रस रूट के अंदर डिवाइड करा है। यहां तक आप लोग चाहें तो इसका आराम से भी नोट कर लीजिए साथ के साथ, तो एक हमारा लेक्चर के साथ साथ ऑनलाइन हम नोट भी करते जा रहे हैं हमारे नोट्स को, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेके बढ़ता हूं आगे, ताकि आप लोग इसको कॉपी में नोट्स में लिखते जाए। ठीक है, यहां तक हो गई हमारी बात। तो हम हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैप रूट को। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं, टैप रूट को। ठीक है, टैप रूट क्या होता है, मानिए ये एक प्लांट है, मानिए कोई प्लांट है, उसकी यहां से ये जो रेडिकल पार्ट निकल रहा है, किसी भी प्लांट का जो रेडिकल पार्ट है, ठीक है, उसके वहां से डायरेक्ट इलोंगेशन जो हो रहा है, किसी भी रूट में प्लांट में जब डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल के थ्रू होता है, मैंने वापस सुनना बेटा ध्यान से, डायरेक्ट इलोंगेशन रेडिकल के थ्रू होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, टैप रूट। ऐसी रूट जो प्लांट के रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, टैप रूट कह रहे हैं। अब क्या होता है, इनके चारों तरफ से कुछ रूट्स निकलती रहती है, ठीक है, इन रूट्स को हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी रूट, और टर्शियरी रूट। ठीक है, मतलब हमारा जो टैप रूट था वो क्या था, प्लांट के रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेशन से जो निकल रहा है उसको हम क्या कह रहे थे, रूट को टैप रूट कह रहे थे, और उसकी चारों तरफ से जो ये ब्रांचेस निकल रही है, जड़े निकल रही है, उनको हम क्या कह रहे थे, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। इसका मतलब हमारा जो टैप रूट है वो क्या है, प्राइमरी रूट, प्लस सेकेंडरी रूट, प्लस टर्शियरी रूट, ये तीनों चीजें मिला के क्या एक सिस्टम बना देती है, और उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे इजी वे में और कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को। मैंने यही कहा टैप रूट क्या होता है, हमारे प्लांट के रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट निकल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, टैप रूट कह रहे हैं। उसकी चारों तरफ से जो जड़े निकल रही है उनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। इसका मतलब हमारा जो टैप रूट सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शियरी रूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर जो मेनली कभी कभी मेडिकल पेपर में पूछ ली जाती है, ये हमेशा जो टैप रूट होता है
वो किस प्लांट के अंदर पाया जाता है अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखिएगा, ये हमेशा किस में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में, ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है हमेशा, डाइकॉट प्लांट के अंदर, इसलिए मैंने यहां स्टार लगा के मार्क करा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया हमको, फिर हम एक बार वापस तीनों पार्ट्स को डिस्क्राइब करने के बाद एक बार वापस रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारे रूट के तीन पार्ट्स में डिवीजन में से फर्स्ट पार्ट की बात हुई, टैप रूट की। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो कौन सा आता है, एडवेंटिजियस रूट। कौन सा आता है, एडवेंटिटियस रूट। अब सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स, मैंने एडवेंटिटियस रूट में क्या कहा, एडवेंटिटियस रूट में ये मैंने कहा कोई भी रूट जो प्लांट के किसी और पार्ट से निकलेगी केवल रेडिकल को छोड़कर, रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी और पार्ट से निकलने वाली रूट को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, ठीक है। मैं यहां लिख भी देता हूं एक बार, रूट दैट arises from any other part of plant except radical, ठीक है। मतलब टैप रूट के अंदर तो क्या होता है, इलोंगेशन, डायरेक्ट इलोंगेशन किससे हो रहा था, रेडिकल से हो रहा था, पर एडवेंटिटियस रूट में प्लांट के किसी और पार्ट से भी निकल जाएगी पर रेडिकल से नहीं निकलेगी, उस रूट को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिटियस रूट। रूट दैट अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको खुद को इतनी देर में पढ़ने के बाद लग गया होगा कि पढ़ाने का वे हमारे इंफिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा अलग है। हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा अप्रोच करते हैं, यहाँ की हमारा मकसद ये नहीं है बच्चों को रटवाना लिखवाना और केवल मार्क्स गेन करवाना। हम चाहते हैं आने वाले उनका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो 12th क्लास तक के लिए बन जाए और आने वाले किसी भी टाइम में कभी उनके किसी भी तरीके की परेशानी नहीं देखनी पड़े। हालांकि मैं नहीं, हमारे यहाँ सभी फैकल्टी इसी हिसाब से चलती है, ठीक है। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर जिसका नाम है फाइब्रस रूट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारा, फाइब्रस रूट। पहला हो चुका टैप रूट, दूसरा हो चुका एडवेंटिटियस रूट और तीसरा अब हमारा है फाइब्रस रूट। इसके बाद हम एक बार तीनों पार्ट्स को वापस डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे फटाफट से एक नॉर्मल से वे में, ठीक है। तो आइए समझते हैं, मानिए एक प्लांट है। पहली बात तो क्या होता है, फाइब्रस रूट जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, शॉर्ट लाइव होती है। कैसी होती है, हमेशा शॉर्ट लाइव होती है। तो क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, यहां पर कोई जमीन के ऊपर एक सीड है, ठीक है। इस सीड की रेडिकल के यहां से कोई रूट अराइज हुई, प्राइमरी रूट। पर क्या होता है, कुछ समय बाद ये प्राइमरी रूट क्या होती है, नष्ट हो जाती है और स्टेम के बेस की तरफ से चारों तरफ से रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। स्टेम के बेस से चारों तरफ से रूट निकलना शुरू हो जाती है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। एक बार वापस सुनना, फाइब्रस रूट में क्या होता है, ये कैसी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। जब किसी जमीन के ऊपर कोई सीड है उसके रेडिकल से क्या होता है, कुछ प्राइमरी रूट अराइज होती है। पर क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये प्राइमरी रूट क्या होती है, मर जाती है और इसकी जगह क्या होता है, स्टेम के बेस से, स्टेम मतलब तने के बेस से बहुत सारी जड़े निकलना शुरू कर देती है और उनको रिप्लेस करने लग जाती है प्राइमरी रूट्स को। तो उसी में उसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एक बार हम वापस हम हमारे जो हमने अब तक पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। हमने हमारा लेक्चर स्टार्ट करा था, आज का 11th क्लास का यूनिट स्टार्ट करी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर मैंने कहा था फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये कुछ छह पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ये यूनिट डिवाइडेड होती है। फिर हमने हमारा सबसे पहले रूट को उठाया था, आज टॉपिक को रूट के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था कि वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है।
ठीक है, क्योंकि कुछ जड़े एक्सेप्शन होती है तो वो जमीन के ऊपर भी पाई जाती है। फिर हमने हमारे रूट सिस्टम को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करा था, टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट और फाइब्रस रूट के अंदर डिवाइड करा था। टैप रूट में मैंने आपको कहा था कि ये सबसे मेनली किसमें पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट के अंदर पाई जाती है, जिसको हमने स्टार मार्क करके भी लिखा था। फिर हमने कहा था टैप रूट वो होती है जो प्लांट के रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट निकल रही है उसको हम क्या कह रहे थे, टैप रूट कह रहे थे। अब क्या होता है जब टैप रूट निकलती है तो उसके चारों ओर से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलने लग जाती है। इसका मतलब टैप रूट जो सिस्टम होता है वो किस पे बेस है, प्राइमरी रूट प्लस सेकेंडरी रूट प्लस टर्शियरी रूट, ठीक है। फिर हमने बात करी थी सेकेंड का हमारी एडवेंटिटियस रूट की, उसमें मैंने आपको कहा था रूट दैट अराइजेस फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी और पार्ट से जो रूट अराइज हो रही है उसको हमने क्या कहा था, एडवेंटिटियस रूट कहा था। फिर थर्ड हमने बात करी थी फाइब्रस रूट की। फाइब्रस रूट में मैंने सबसे पहले कहा था ये कैसी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। कैसी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। यहां पे कोई सीड है उसके रेडिकल से प्राइमरी रूट्स निकल रही है, कुछ टाइम बाद क्या होता है ये प्राइमरी रूट नष्ट हो जाती है और स्टेम के बेस से बहुत सारी जड़ें निकलने लग जाती है जो इन प्राइमरी रूट्स को रिप्लेस करती जाती है। इसी को हमने कहा था फाइब्रस रूट सिस्टम। ये हमारा अभी तक का एक रूट का स्टार्टिंग का जो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था वो आप लोगों के सामने है। आई होप सो आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आगे भी हम इंफिनिटी केरियर इंस्टीट्यूट आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड विद इंफिनिटी केरियर इंस्टीट्यूट। थैंक यू स्टूडेंट्स।